हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, अभी के वीडियो में जो है हम छत्तीसगढ़ का, जैसे मैंने बोला था कि संडे को जो है हम वीकली टेस्ट करेंगे, जितना भी हमारा हुआ रहेगा पिछला उसको कवर करेंगे, तो आज हम वही वाला पार्ट कवर करेंगे। उसके पहले जो है मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी तक जब से मैंने वीडियो सीरीज चालू की है, तीन पेपर जो है हो चुके हैं। एक अपना ईडीओ का हुआ था, उसके बाद फूड इंस्पेक्टर का हुआ, और तीसरा पेपर जो है कल ही हुआ है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैंडलूम का हुआ था, जो पीएससी के द्वारा लिया गया था। इसमें जो है कल के जो पेपर है जिसमें छत्तीसगढ़ पार्ट पूछा गया था, उसमें जो है हमने ईडीओ के समय प्रैक्टिस सेट किया था, उससे 90% क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सेम टू सेम आए थे। तो यहां तक क्वेश्चन भी सेम नहीं, ऑप्शन जो दिया गया था वो भी बिल्कुल सेम दिया गया था। तो हमारी तैयारी जो चल रही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। अब से जो हम प्रैक्टिस सेट यहां पे करेंगे संडे के संडे, आप उसको बिल्कुल सीरियस होके दीजिएगा। अभी का जो वीडियो है उसमें जो है मैं जो अभी 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हूं, जिसको कि जिसका जो मैं डिस्क्रिप्शन रहेगा इस वीडियो का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वहां पे भी दूंगा और कमेंट में भी दूंगा, तो आप वहां जाके पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, जो मेरा प्रैक्टिस सेट है। तो उसके बाद जो है डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसका यहां पर वीडियो देखेगा और आंसर जो है अपना मिलाइएगा, और जितना भी आपका सही हो रहा है बिल्कुल आप अपने जो वीडियो का कमेंट होता है उसमें जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि मेरे को भी समझ आ सके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो आप लोगों के लिए कितने बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर एक जो है, जिसमें बोला गया है कि राजाओं को मिलाना उनके वंश के हिसाब से कौन सा राजा कौन से वंश का था। तो मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बता रहा हूं, जो नल वंश का शासक था वो था भवदंत वर्मन, सरबपुरी वंश के शासक थे प्रसन्न मात्र, पांडु वंश के शासक थे हर्षगुप्त और सोम वंश के शासक थे महाभवगुप्त। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है और हमको उसमें से फिर ऑप्शन चुन के बताना है क्या चीज सही है। कथन बोला, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईटों का मंदिर बनाया जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही कथन है कि जो रानी वाष्टा ने है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। कारण बोला, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में यह बनवाया गया था। तो जो उसका पति हर्षगुप्त था उन्हीं की मृत्यु की स्मृति में जो है वाष्टा देवी ने जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया था, लक्ष्मण मंदिर का। तो इसमें जो है कारण भी सही दिया, जो कथन है मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था उनकी मृत्यु के, हर्षगुप्त की मृत्यु की बाद उनकी स्मृति में बनाया गया। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को स्पष्ट भी कर रहा है। तो इसके आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है, तो दूसरे का आंसर होगा ए। अगला देखते हैं हम, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, कलचुरी काल में राजा के अधिकार सीमित थे। तो कलचुरी काल में जो होता था राजा सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, उसके नीचे अमात्य या मंत्री होते थे। तो जो पहला बोले राजा के अधिकार सीमित थे, बिल्कुल गलत है, राजा के पास ही सारे अधिकार थे। तो पहला पॉइंट जो बोला बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला, प्रशासन के विभागों का दायित्व तो अमात्य के हाथ में होता था, यानी मंत्री के हाथ में होता था। बिल्कुल सही है, बहुत सारे मंत्री होते थे राजा के नीचे। अगला देखते हैं, राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। बिल्कुल सही पॉइंट है, गढ़ों में विभाजित था और एक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो इसका दो और तीन पॉइंट जो है वो सही है, तो तीसरे का आंसर होगा सी, टू और थ्री। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सुबह व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदार जो हो उनका क्रम से लगाना है। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, सबसे पहला है महिपतराव दिनकर, उसके बाद है विठ्ठलराव दिनकर, फिर है केशव गोविंद और फिर है भिकाजी गोपाल, यानी 3, 1, 4, 2, यानी चौथे का आंसर सी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहा जाता था। परगने के प्रमुख अधिकारी को कमाविस्दार कहा जाता था, तो पांचवे का आंसर है ए। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहला बोला सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। तो जो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद जो है वो वीर नारायण सिंह को ही माना जाता है, तो सोना खान के जमींदार ही थे, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा है, बिलाईगढ़ भटगांव व देवरी के जमींदार इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तीसरा, हनुमान सिंह ने रायपुर में मेजर सिडवेल की हत्या की थी, बिल्कुल सही बात है। चौथा है,
विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया था। तो जो हनुमान सिंह का साथ दिए थे 17 सिपाही, उनको फांसी में लटकाया गया था। बिल्कुल सही पॉइंट है। जो बी पॉइंट है उसको देखते हैं। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे। देखिये जो ये तीन जमींदारी है, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी, इन्होंने ये विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था वीर नारायण सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसमें जो बोला गया अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये अंग्रेजों का साथ दिए थे, यानी छठवे का जो बी पॉइंट है वो गलत है। अगला देखते हैं सातवां नंबर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो सबको पता है रतनपुर से रायपुर किसने स्थानांतरित किया था? मेजर एगन्यू ने। तो सातवें का आंसर है बी। अगला देखते हैं, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में मराठों के विरुद्ध 1824-25 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आदिवासी विद्रोह कौन सा हुआ था? इसमें ऑप्शन है परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, कोई विद्रोह, मीरिया विद्रोह या नन ऑफ दीज। तो परलकोट विद्रोह जो गिंद सिंह वाला था वो 1824-25 में ही हुआ था। तो आठ का आंसर है ए। अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हिंद सॉन्ग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर पधारे थे? सिरपुर चीनी यात्री कब आया था? हिंद सॉन्ग किसके काल में? महर्षिगुप्त बलार्जुन के काल में। तो 90 का आंसर है बी, महर्षिगुप्त बलार्जुन। अगला देखते हैं, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम मजदूर आंदोलन फेमस है, ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। 10वें का आंसर है ए, ठाकुर प्यारेलाल। अगला देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य, यानी गलत कथन कौन सा, हमको ये बताना है। पहला बोला गया छत्तीसगढ़ में 3 बार मजदूर आंदोलन, सही है, छत्तीसगढ़ में 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं। दूसरा है, प्रथम मजदूर आंदोलन के बाद ठाकुर प्यारेलाल को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित किया गया और वह रायपुर चले गए, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा मजदूर आंदोलन हिंसक हुआ, पुलिस ने गोली चालन किया। बिल्कुल सही पॉइंट है, हिंसक हुआ था और पुलिस ने गोली चालन किया था और अदालत के बाहर ही हुआ था ये सब। चौथा है, तीसरे मजदूर आंदोलन का कारण मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती करना, सही है, उसी के कारण जो है मजदूर आंदोलन कर रहे थे। तो दूसरे कथन में लौटते हैं, प्रथम मजदूर आंदोलन के बाद ठाकुर प्यारेलाल को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित किया गया था, लेकिन उनका निष्कासन जो है वहां के गवर्नर ने रद्द कर दिया था। और दूसरा मजदूर आंदोलन जब हुआ था तो ठाकुर प्यारेलाल को उसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा गया था कि आप ही के कारण जो है ये आंदोलन हुआ था, जो भी घटना है पुलिस चालन ने, जो गोली चालन हुआ है, सब आपके कारण हुआ है, मजदूरों को आपने भड़काया था। तो यहाँ पर राजनांदगांव रियासत से उनको निष्कासित कर दिया गया था और गवर्नर के पास जब उन्होंने अपील की थी तो गवर्नर ने जो है उनका निष्कासन रद्द नहीं किया था, बल्कि इन्हीं को अपराधी मानते हुए इनको राजनांदगांव रियासत से निष्कासित करके कर दिया गया था। इसके बाद ये रायपुर चले गए और वहां से जो है राजनीति चलाते रहे, ठीक है। तो इसके आंसर जो है 11वें का बी, जो गलत है इसमें। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? यह भी एडीओ का ही क्वेश्चन है। तो सोम वंश के शासकों ने किया था। 12 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, इस राज्य का मराठा सूबेदार कौन था जिसके काल में यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्रंट इस क्षेत्र की यात्रा में आए थे? तो कैप्टन ब्रंट ऑप्शन दिया, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विठल दिनकर, महिपतराव दिनकर, नन ऑफ दिस। तो कैप्टन ब्रंट जो था विठल राव दिनकर के समय आए थे। 13 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, बिंबाजी भोसले किस जमींदारी से सर्वाधिक टकोली लेते थे, यानी पैसा। बिंबाजी भोसले जो थे एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, जो जमींदारी उनको आनाकानी करती थी उनके शासन में या उनको हस्तक्षेप करने की कोशिश करती थी, वो उसी के उससे टकोली लेते थे। तो वो सबसे ज्यादा टकोली जो है खैरागढ़ रियासत से लिया करते थे। 14 का आंसर है ए, खैरागढ़। अगला देखते हैं, ब्रिटिश काल में निम्न में से क्या क्या कार्य 1862 में हुए? अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन कौन सा कार्य 1862 ईस्वी में? पहला है छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, फिर है ग्रेट ईस्टर्न मार्ग प्रारंभ हुआ यानी जीटी रोड, जीई रोड, उसके बाद है रायपुर कमिश्नरी बनाई गई और पुलिस मैनुअल लागू किया गया। तो जो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 ही है, ग्रेट ईस्टर्न मार्ग जो है वो भी 1862 ही है और रायपुर कमिश्नरी भी 1862 है, ठीक है। पुलिस मैनुअल जो 1862 नहीं है, यानी इसका आंसर जो है 1, 2, 3, यानी 15 का आंसर है ए, 1, 2, 3। अगला देखते हैं, ब्रिटिश काल में निम्न में से कौन सा ताहूत बनाया गया 1854 के बाद, यानी जब ब्रिटिश काल छत्तीसगढ़ में आया तो कौन से ताहूत
बनाए गए। तो ताहूतदारी प्रथा वही है जैसे पहले हम जानते ही हैं कि जो अमीर व्यक्ति थे उस क्षेत्र के, उसको जो है वहां उनसे पैसा लेके ऐसी जमीन जो कि बंजर हो चुकी है उसको उपजाऊ बनाने का काम होता था, यही ताहूतदारी प्रथा होती थी। तो कौन सा ताहूत बनाया गया? ऑप्शन दिया सिहावा, सिरपुर, लवन और लोरमी। तो देखिये जो सिहावा ताहूत था इनमें से केवल सिहावा ही ऐसा जो 1854 के बाद बना है, बाकी जो है सब उससे पहले बने हुए, यानी इसका आंसर होगा डी, केवल एक। अगला देखते हैं, ब्रिटिश काल में कितनी जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया था? तो ब्रिटिश काल जैसे ही ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ तो ऐसी जमींदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जमींदारियां थी, तो ऐसी जमींदारी जो कि पुरानी थी और जो शक्तिशाली जमींदारी थी उनको सबको जोड़कर रियासत का दर्जा दिया गया था। तो कुल जो है 14 रियासत बनाई गई थी, मतलब जो शक्तिशाली जमींदारी थी उन्हीं को रियासत बनाया गया था, बाकी जमींदारियों को मर्ज कर दिया गया था। तो टोटल 14 जमींदारी ऐसी थी जिसको रियासत का दर्जा मिला और स्वतंत्रता तक जो है 14 रियासत ही छत्तीसगढ़ में शामिल रही थी। ठीक है, तो 17 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो जगपाल जो थे पृथ्वीदेव द्वितीय के जो थे सेनापति थे, तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो 18 का है बी, पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला देखते हैं, निम्न में से किस कलचुरी शासक के सिक्कों में हनुमान की आकृति बनी हुई थी? ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, रतनदेव प्रथम, रतनदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, नन ऑफ दीज। तो जो तांबे के सिक्के थे जाजलदेव प्रथम को, उसी में हनुमान की आकृति बनी हुई थी, यानी 19 का आंसर है ए, जाजलदेव प्रथम। अगला देखते हैं, निम्न शासकों को रायपुर के कलचुरी वंश के जो शासक है उनको उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। पहला है रामचंद्र देव, दूसरा है उम्मेद सिंह देव, तीसरा है बनवीर सिंह देव और चौथा है अमर सिंह देव। तो इनको जो लाइन से लगा देता हूं मैं वो है 1 2 3 4, लाइन से ही लगे हुए हैं वो। तो इसका आंसर है 20 का ए, 1 2 3 4। अगला देखते हैं, भोपालपट्टनम का विद्रोह किस काकती शासक के काल में होता है? भोपालपट्टनम का विद्रोह जो था वो अपना मुख्य रूप से जो है यहाँ पर जो कैप्टन ब्लंट जो थे वो इंद्रावती नदी पार करने के लिए आए थे लेकिन उनको पार करने नहीं दिया गया था। तो वही जो है यहाँ पर भोपालपट्टनम का विद्रोह है, 1795 में हुआ था, दरियादेव उस समय शासक थे। 21 का आंसर है बी, दरियादेव। अगला देखते हैं, कुरुषपाल अभिलेख किस छिंदक नागवंशी राजा का है? तो कुरुषपाल अभिलेख फेमस है जो कि है सोमेश्वर प्रथम का, यानी सोमेश्वर देव प्रथम का, यानी 22 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, निम्न आदिवासी आंदोलन को उसके काल के अनुसार लगाना है, यानी जोन सा आंदोलन पहले उसको पहले रखते हुए जोन सा बाद में हो बाद में लगाना है सब। तो ऑप्शन है हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। देखिये हलबा विद्रोह हुआ था 1774 से 79 तक, फिर परलकोट हुआ था 1824 से 25 तक, कोई विद्रोह हुआ था 1859 में 1859 में, और लिंगागिरी जो हुआ था 1856 से 57 हुआ था, यानी इसका आंसर है 1 2 4 3, यानी बी, 23 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, बस्तर में आक्रमण करने वाला पहला मराठा सेनापति कौन था जिसने बस्तर में आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है भास्कर पंत, रघुजी प्रथम, अप्पा साहब, नीलू पंडित। देखिये जो भास्कर पंत था वो रतनपुर में आकर आक्रमण किया था, लेकिन बस्तर में आक्रमण करने वाला जो पहला यहाँ पर सेनापति था उसका नाम था नीलू पंडित। कल एक डाउट पूछा गया था नीलू पंडित नीलू पंत है करके, देखिए याद रखें नीलू पंडित और नीलू पंत एक ही व्यक्ति है, किसी ने कमेंट में लिखा था अलग अलग है, नीलू पंडित ने नीलू पंत था, दोनों सेम है। ठीक है, उसका नाम अलग अलग जगह में कहीं नीलू पंडित मिलता है, कहीं नीलू पंत मिलता है, दोनों व्यक्ति सेम है। ठीक है, तो 24 का आंसर है डी, नीलू पंडित। अगला देखते हैं, बिंबाजी के काल में निम्न में से किन किन स्थानों में विद्रोह हुए? बिंबाजी के काल में कौन कौन से स्थान में विद्रोह हुए थे? पहला है बस्तर, दूसरा है खैरागढ़, तीसरा है चापा और चौथा है धमदा। तो इसका जो है बिंबाजी के काल में सभी जगह विद्रोह हुए थे, यानी इसका आंसर है 25 का ई, सभी। तो जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने यहां पर कर लिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जरूर बताइएगा आपसे कितना क्वेश्चन बना है इस जो प्रैक्टिस सेट था उससे, और कमेंट में इसका जितने भी आपसे बने वो उसको जरूर बताइएगा ताकि मेरे को भी पता चल सके कि आप लोगों के लिए जो मेरा वीडियो है आप कितना बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को इस वीडियो से कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बन रहे थे उसको जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन इससे बने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।